गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टैंडर्ड नाइन्थ चैप्टर हाउस एंड क्वार्टर्स, इसमें पार्ट टू कटिंग द केक। रजनीस फादर ब्राट अ केक, सी डिवाइडेड द केक इनटू फोर इक्वल पार्ट्स फॉर हेरसेल्फ, हेर ब्रदर राजू, हेर मदर, हेर फादर एंड हेर मदर। ओके, अभी रजनीस फादर एक केक लेके आ गए, उसको डिवाइडेड द केक इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, फोर इक्वल पार्ट्स डिवाइड किया फॉर हेर सेल्फ, हेर ब्रदर राजू, हेर फादर एंड हेर मदर, चार का एक केक है। एंड देन अभी कलर ईच सर विद डिफरेंट कलर्स, ईच सर को डिफरेंट कलर्स में कलर करना है। पर अभी देखो, फर्स्ट को मैं रेड में कलर किया फादर को, मदर को ग्रीन पे कलर किया, एंड देन राजू को ब्लू कलर में कलर किया, एंड देन रजनी को येलो कलर में कलर किया। एंड हाउ मच डज ईच गेट, ईच पर्सन कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ केक। लिसन, एक फुल केक में फोर पार्ट्स डिवाइड हो गए, सो टोटल पार्ट्स फोर है, सो फोर नीचे सबको एक एक मिला ना, सो वन बाई फोर, ईच पर्सन गेट्स वन बाई फोर ऑफ द केक, अंडरस्टैंड। एंड देन मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी, नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी, रजनी को उसका शेयर दे दिया, सो मदर रजनी दोनों का शेयर रजनी को मिल गए। एंड देन नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट, इसमें रजनी मदर दोनों का ही मिल गई ना। अभी रजनी का केक को मैं, रजनी को टोटल पार्ट को मैं कलर कर रही हूँ, मदर उसको दे दिया ना, सो रजनी को कितना केक मिल गए, 1/4 + 1/4 + 1/4 क्या होगा, देखो 1/4 + 1/4 मैं 4 को कॉमन ले रही हूँ, ठीक है, 1/4 + 1/4 4 को कॉमन ले रही हूँ, 1 + 1 सो 2/4, 2/4 1 2 2 2 4 सो द आंसर इज 1/2, सो रजनी को 1/2 पार्ट ऑफ केक मिला, हाफ केक मिल गई, ठीक है। आउट ऑफ फोर पार्ट्स रजनी विल गेट डैश पार्ट्स, चार पार्ट में रजनी को कितना पार्ट मिल गए, 2 पार्ट मिल गए ना, सो 2 पार्ट्स, ओके, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक, हाफ ऑफ द केक उसको मिल गए, सो सी कैन राइट इट एज 2/4 or 1/2, हमको मिल गई ना 2/4 or 1/2, ओके। एंड देन बिफोर रजनीज मदर गेव हर शेयर टू रजनी, सी हैड ओनली हाफ ऑफ हाफ ऑफ द केक, हाफ ऑफ हाफ याद हो रहा है, पहले पार्ट में मैं पढ़े थे ना, हाफ ऑफ हाफ किधर है, देखो पेज नंबर 95 में, हाफ मतलब 1/2, हाफ ऑफ हाफ मतलब 1/4। अभी देखो इसमें भी वो क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ हाफ ऑफ द केक, सो विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक, हमको पता है हाफ ऑफ ऑफ क्या है, 1/4, कलर द शेयर राजू गॉट, राजू को कितना मिल गया वो कलर करना है, राजू को कितना मिल गए, 1/4 मिल गई ना, राजू को काली 1/4 मिल गई, देखो राजू को ये है 1/4 मिल गए, सो मैं ये कलर में कलर कर रही हूँ, ग्रीन कलर में यूज़ कर रही हूँ, राजू को 1/4 पार्ट मिल गए, ओके। एंड देन हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट, रजनी राजू दोनों का साथ में कितना मिल गए, रजनी को हाफ मिल गए, राजू को 1/4 मिल गए, कलर देयर टोटल शेयर, टोटल शेयर को हम कलर करना है, रजनी को 1/2 मिल गए, राजू को क्या मिल गए, 1/4 मिल गए, सो दोनों साथ में हम कलर करना है, समझ गए, हाफ रजनी को हाफ, राजू को 1/4, सब साथ में हम कलर किया, ऑल टुगेदर दे गॉट 3 पार्ट्स आउट ऑफ, देखो टोटल 4 पार्ट्स है, उसमें 3 पार्ट्स उसको मिल गए ना, सो वी कैन राइट इट एज 3/4, हमको पता है ना, हम टोटल पार्ट्स को नीचे लिखता है, शेडेड पार्ट्स को ऊपर लिखता है, सो 3/4, अंडरस्टैंड। एंड देन पेज नंबर 99, ग्रीडी कुंडू, कुंडू इज अ ग्रीडी मैन, ग्रीडी मैन मतलब
लालची ना, वो लालची आदमी है, ठीक है. वेन एवर ही गोज टू द मार्केट ही वॉन्ट्स टू गेट मोर एंड गेट मोर एंड मोर बट डजेंट वॉन्ट टू स्पेंड मच मनी. उसको मार्केट जाने टाइम में ज़्यादा चीज़ चाहिए, फिर पैसा भी उतना स्पेंड नहीं करना, उतना लालची आदमी है वो. वन डे ही वॉन्ट्स टू गेट पम्पकिन हलवा, वॉन्ट्स टू ईट पम्पकिन हलवा. उसको पम्पकिन हलवा खाने का मन हो गया, ठीक है. स्वीट डिश पम्पकिन हलवा पता है ना. ही ट्राइज टू बाई अ बिग पम्पकिन विथ ओनली रुपीज 10. वो क्या एक बिग पम्पकिन को खाली रुपीज 10 में उसको चाहिए. ही आस्क द फर्स्ट पम्पकिन सेलर द प्राइस ऑफ बिग पम्पकिन. ये पम्पकिन सेलर होते हैं, पम्पकिन बेचता है ना, उसका पास वो पूछ रहा है बिग पम्पकिन कितना प्राइस का मिल रहा है. फर्स्ट पम्पकिन सेलर 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन फॉर रुपीज 10. खाली 1/4 10 रुपीज़ का मिलता है उसको, पूरा पम्पकिन 10 रुपीज़ का वो ट्राई कर रहा है. उसको खाली 1/4 मतलब क्या है, हाफ मतलब आधा किलो, 1/4 मतलब पाव, ठीक है. वो पाव के जी उसको मिल रहा है 10 रुपीज़ का. सो दिस फुल पम्पकिन कितना होगा. पाव पम्पकिन 10 रुपीज़ का है, पाव मतलब 1/4 प्लस 1/4 आधा होगा 3/4 होगा, ये पूरा साथ में 1 होगा. सो 10 हम 4 बार प्लस करना चाहिए 40 रुपीस. सो द फुल पम्पकिन का प्राइस कितना है 40 रुपीस. ओके एंड देन कुंडू ये 4 रुपीस 10 यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पम्पकिन. वो क्या बोल रहा है, रुपीज 10 को मेरे को हाफ पम्पकिन दे दो. वो बेचने वाला क्या बोल रहा है, उसको 1/4 मिलता है, ये हाफ पम्पकिन मांग रहा है, आधा केजी वो मांग रहा है. फर्स्ट पम्पकिन सेलर, ये पम्पकिन सेलर क्या बोल रहा है. देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर, ही कैन गिव यू हाफ ऑफ सच अ बिग पम्पकिन फॉर रुपीज 10. I keep only good quality pumpkins. ये क्या बता रहा है, मेरे पास पूरा good quality pumpkins है, तुमको ऐसे चाहिए तो next seller का पास जा. He can give half of such a other pumpkin को 10 रुपया वो देता है, उसका पास जा. मेरे पास पूरा good quality pumpkins है, ऐसे ये pumpkin seller उसको बता रहा है. And Kundu walks to the next seller and looks for the pumpkin of the same size. वो नेक्स्ट सेलर का पास गई, वो सेम साइज पम्पकिन देख रहा है. कुंडू हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट फॉर रुपीज 10. रुपीज 10 को कितना मिलता है, ऐसे वो पम्पकिन सेकेंड पम्पकिन सेलर को पूछ रहा है. वो सेकेंड पम्पकिन सेलर क्या बता रहा है, हाफ किलो. पहले फर्स्ट पम्पकिन सेलर क्या बोला था, पाव मिलता है, ये आधा किलो दे रहा है 10 रुपया का, ठीक है. दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट, फुल पम्पकिन कितना होगा, देखो आधा किलो 10 रुपया का मिल रहा है, दो आधा किलो साथ में 1 किलो होगा ना. सो 10 प्लस 10 20 रुपीज़. सो फुल पम्पकिन उसको 20 रुपीज़ को मिलता है. कुंडू ए वाई नॉट गिव मी 3/4. अभी कुंडू को क्या चाहिए 3/4. वो कितना लालची आदमी है, देखो पहले उसको आधा किलो मांगती है वो नहीं देता है, अभी ये आधा किलो दे रहा है, फिर भी वो क्या कर रहा है, मेरे को 1/4 किलो दे दो, 3/4 चाहिए उसको. अभी क्या करना है, सेकेंड पम्पकिन सेलर क्या बोल रहा है, रन अवे गो गेट यूर पम्पकिन फ्रॉम दैट मैन, ही सेल्स सच बैड वेजिटेबल्स दैट ही विल इवन गिव यू ए फुल पम्पकिन ऑफ द साइज फॉर रुपीज 10. ओ गुस्सा में क्या बोल रही है सेकेंड पम्पकिन सेलर, भागो गो गेट यूर पम्पकिन फ्रॉम द, ओ पम्पकिन वो आदमी का पास ले लो, वो पूरा बैड वेजिटेबल्स बेचता है, खराब वेजिटेबल्स होता है ना थोड़ा थोड़ा वो बेच रहा है. दैट ही विल गिवन गिव यू फुल पम्पकिन, आपको उधर 10 रुपये का मिलता है, उधर जाओ ऐसे वो टाटरी. एंड देन द ग्रीडी कुंडू वॉक्स टू द नेक्स्ट पम्पकिन सेलर, दूसरा पम्पकिन सेलर का पास वो गए. ही लुक्स एट ए पम्पकिन ऑफ द सेम साइज एंड आस्क हिम विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर रुपीज 10. वो क्या पूछ रहा है, ग्रीडी कुंडू वो नेक्स्ट पम्पकिन सेलर का पास जा रहा है, वो पम्पकिन सेम साइज देख के पूछ रहा है 10 रुपये का मेरे को मिलता है. थर्ड पम्पकिन सेलर, वाई डोंट यू क्लाइम द रूफ ऑफ दैट हाउस, यू कैन गेट पम्पकिन फ्री फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ. वो थर्ड पम्पकिन सेलर क्या बता रहा है, देखो
तू क्यों दुकान में ले रहा है? Why don't you climb the roof of the house? आपका हाउस का ऊपर गई वो प्लांट में डायरेक्ट निकाल सकता है ना. यू कैन गेट पम्पकिंस फ्री फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ. वो प्लांट में ले लो, आपको फ्री मिलता है. क्यों इधर आ गया, ऐसे पाव कर रहा है, ऐसे वो गुस्सा कर रहा है. कुंडू इज़ वेरी हैप्पी, उसको बहुत हैप्पी हो गई, फ्री में मिल रहा है ना. इसके लिए ही क्लाइम्स द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन ऐसे डाट 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 रख रहे. आप स्टोरी फिनिश करना है. कुंडू क्या बहुत खुशी में वो क्लाइम किया रूफ का ऊपर, वो पम्पकिन लेने के लिए गई. सॉरी, वो पम्पकिन लेने के लिए गए. वो लेने टाइम पे क्या हो गई, एंड देन देखो दिख रहा है ना, एंड देन ही फॉल. फॉल ऑफ लिखना है, फेल डाउन लिखना है, कोई भी ठीक है. फॉल ऑफ लिखना है या फेल डाउन. ओके, देखो बहुत ग्रीडी हो गए, ऐसे रिजल्ट मिलता है. ओके, एंड यूजिंग ए प्राइसलेट, ये फटाफट ही देखना है प्राइस लिस्ट कब आने. ठीक है, यूजिंग ए प्राइसलेट, ये आइटम्स दिया प्राइस इन रुपीस पर किलो, पर किलोग्राम के लिए कितना प्राइस है. टोमेटो, पोटेटो, ऑनियन, कैरेट, पम्पकिन. हाउ मच डज हाफ किलोग्राम ऑफ टोमेटोज कास्ट. हाफ किलोग्राम ऑफ टोमेटो कितना कास्ट है. एक किलोग्राम 8 रुपीज का मिल रहा है. सो हाफ हाफ इंटू 8, 1 2 is to 4 2 are 8, 1 4 are 4. सो द आंसर इज रुपीज 4. विच कास्ट मोर, हाफ किलोग्राम ऑनियंस आर 1/4 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स. हाफ किलोग्राम ऑफ ऑनियंस कितना, 1 किलोग्राम ऑनियन 10 रुपीज का है, उसमें आधे 5 रुपीज होगा ना. 1/2 into 10, 1 2 is to 5 2 are 10. So the answer is 5 rupees. And then 1/4 kilogram of carrot. Carrot ka 1 kilogram price kitna? 16 rupees hai. So 1/4 into 16. 1 4 is 4. 4 4 are 16. 1 4 are 4. So rupees 4. Half kilogram onions rupees 5. 1/4 kilogram of carrots rupees 4. Dono mein kya bada hai? 5 bada hai? 4 bada hai? 5 bada hai. So onion cost more. क्या ज़्यादा है पूछा ना, ऑनियन कास्ट मोर. ओके, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द 3/4 किलोग्राम ऑफ पोटेटोज. 1 किलोग्राम ऑफ पोटेटो 12 रुपीज़ है. सो 3/4 में इधर करो, 3/4 into 12, 1 4 is 4, 3 4 are 12, 3 3 are 9. सो ₹9. ओके, ₹9 को मिलता है. अभी ए बी सी तक देखी, डी ई हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करना है. डी ई देखने का बाद प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चंस भी हैं, हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखना है. ओके, थैंक यू.